अलग उत्साह है कि कुछ मधुपुर में इतिहास रचने को है। बंधु तिर्की जी का स्वागतम। बंधु तिर्की जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिजुल हसन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तीर्थधरों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंधु मधुपुर उपचुनाव विधानसभा की चल रही है सर, आप लोग सारे लोग कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं, क्या इस विधानसभा के लिए या पूरे प्रदेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी जी इलाके के लोकप्रिय नेता थे और सभी वर्गों के लोगों में उनकी एक खास पहचान रही है। उन्हीं के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण ये जो मधुपुर विधानसभा में चुनाव हो रहा है और जिस तरह से लोगों में उनकी पैठ थी सभी वर्गों के बीच में, तो सभी लोग उसको उनके बेटा जो हफीजुल उनको मंत्री बनाया गया और वो हफीजुल अंसारी जो चुनाव लड़ रहे हैं जी। सब लोग उनको एक तो स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी का सहानुभूति भी उनका काम जो किया हुआ को लेकर के लोग उनके पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जितने भी दलित गरीब आदिवासी अल्पसंख्यक लोग और लोग भी हैं, उन्हीं के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। और ये हमें लगता है कि ये औपचारिकता पूरी होने वाली है, मत आपका जीत उसका भारी बहुमत से जीत होगी, जो लोगों के बीच में जाने से ऐसा मुझे पता चल रहा है। क्या लगता है कि और भी सारे पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग मिलके पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है कि 100% लग रहा है कि हफीजुल जी का जीत यहाँ पर निश्चित है? गठबंधन का उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी हमारी है, पूरे पूरे लोग लगे हुए हैं, सारे कमेटी विधानसभा से लेकर प्रखंड स्तर पंचायत सभी कमेटी लगे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपने उनका एक संगठन है और बाकी लोग भी इसको मदद कर रहे हैं पूरा। हमें लगता है कि जो स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी को जो मत मिला उससे भी ज़्यादा बहुमत मत इसको मिलेगा और भारी बहुमत से जीतेंगे, ये साफ लोगों के बीच में जाने से पता चलता है। अभी हम यहाँ पर आए हैं, बता के तो नहीं आए थे, लेकिन हमने अपने जो संथल और भाषा में हमने जब बात किया इनसे, तो इन लोगों को भी इच्छा से सही से इसके भी जो बताया गया इनके द्वारा भी, उसे साफ लगता है कि पूरा उनके पक्ष में है लोग और निश्चित रूप से भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरा जो लोगों के बीच में जो जा रहे हैं उसे पता चल रहा है। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में अभी काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अब मधुपुर विधानसभा चल रही है और अभी कुछ ही दिनों में मतदान होने को है, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे मतदाताओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, हम लोग आज तक कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते थे, लेकिन इस बार चुनाव में एक नई चीज़ देखने को मिल रहा है, वो दिख रहा है कि मतदाताओं में एक अलग उत्साह है, एक करंट है, एक लहर है कि हम एक तरफा वोट, ये लगता है कि कुछ मधुपुर में इतिहास रचने को है। मधुपुर की जनता इस बार निश्चित रूप से एक इतिहास रचने जा रही है, जिसका मिसाल 2 तारीख को देखने को मिलेगा, इसलिए कि हेमंत जी के नेतृत्व में इस कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया है, जो जनता के प्रति अपनी भावना को दिखाया है यूपीए सरकार ने कि सचमुच हम गरीबों के, ज़रूरतमंदों के हम रहनुमाई हैं, हम आदिवासी अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों के साथ हैं, वो आज देखने को मिल रहा है। पूरे वर्षों में देखने को, संकट के काल में देखने को मिला, इससे लोगों में काफ़ी जो है सो अपनापन है और इसका नतीजा इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कितना वोट से आगे आप लोग जीत पाएंगे?
अभी ये तो अनुमानित तो अभी चल रहा है, कार्यक्रम हर जगह चल रहा है और ये कुछ नया जरूर दिखेगा, एक करिश्माई, चूंकि मतदाताओं में जो उत्साह देख करके ये लग रहा है कि वो हमसे ज़्यादा वो उत्साहित हैं। हम वोट मांगने जहाँ जाते हैं कहते हैं कि आप लोग का हम हेमंत सोरेन को और यूपीए के काम पर हम वोट देंगे, हाजी साहब ने जो काम किया है, हम जो स्नेह प्यार उनका था हम लोगों के प्रति, वो सारा चीज़ को हम लोग इस बार श्रद्धांजलि उनको वोट दे करके देंगे। इसमें जितना भी प्रयास कर ले बीजेपी, जो भी हथकंडा अपना ले, ग्रो प्लेयर लाए, नए लोगों को खड़ा करे, बाबूलाल जी यहाँ धरना दें, कुछ भी कर ले, उनका यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता एक भी नहीं सुन रही है, सुनने को तैयार नहीं है उनकी बातों को, झूठ और फरेब। यहाँ चलने वाले भोली भाली जनता है, भोली भाली यहाँ की मतदाताएं हैं, ये बात यहाँ पर इनका ये फरेबी बात अब चलने को मधुपुर में नहीं। मुख्यमंत्री आने वाले हैं मधुपुर में अपना कैंपेन करने के लिए, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी जो बातें कहेंगे और जो कह रहे हैं सबको पता है कि आदरणीय हाजी साहब की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। वो कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते कोरोना योद्धा के रूप में उनकी जान गई है, तो निश्चित रूप से वो कोरोना के शहीद माने जाएंगे और शहीद के बेटे को जो सम्मान मिलना चाहिए, हम समझते हैं हाफिजुल साहब को मधुपुर के लोग देने जा रहे हैं। और जो जीत का अंतर होगा उसका आकलन करना कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई पड़ता है कि लोग कोई कह देगा 25 से, कोई कह देगा 30 से, कहीं वो 50,000 से नहीं जीत जाए, इसलिए हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से बातें कर रही है उससे ये प्रतीत होता है, और जिस तरह से लगातार वो लोग आपस में अपनी जो लड़ाई है उनकी सामने आ रही है, उससे हम समझते हैं कि जीत हाफिजुल भाई की सुनिश्चित है। के जितने भी प्रखंड है, सारे प्रखंड में आप लोग अपने जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या आज के दिन में कुछ ही दिन बाकी है, क्या कहना चाहेंगे मतदान के? मधुपुर विधानसभा के तमाम प्रखंड, तमाम पंचायत, और हमको लगता है कि आम मतदाता मालिक के बीच काफ़ी उत्साह है, और उत्साह इस बात को लेकर के है कि गठबंधन की जो हुकूमत हुई, गठबंधन की जब से सरकार बनी है, हम लोगों ने गरीब गुरबा के लिए, चाहे वो राशन कार्ड के रूप में हो, चाहे खाद्य सामग्री के रूप में हो, अच्छे चिकित्सा के रूप में हो, हम लोगों ने जन मुद्दों को प्राथमिकता दिया है, और इसको लेकर के आम मतदाता मालिक में उत्साह है, और उसका फ़ायदा जो हमारे प्रत्याशी हैं उसको मिलेगा, और निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। क्या आज के दिन कहना चाहेंगे पूरे प्रदेशवासियों को? प्रदेशवासियों को इस वक्त हमारे स्वास्थ्य विभाग का टीम भी आपको मधुपुर विधानसभा में इस वक्त लोग काफ़ी अपने संगठन के साथ मिल करके हाफिजुद्दीन साहब को जिताने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो अधूरा सपना था हाजी साहब का वो उनके बेटा पूरा करेंगे, और सभी समाज को लेकर चलने वाले इंसान हैं, और मैं सभी आम जनता को अनुरोध करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें। मधुपुर उपचुनाव चल रही है सर, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री पूरा प्रदेश का है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, मधुपुर विधानसभा वासियों के या पूरे प्रदेश वासियों को? नहीं, मधुपुर में बाई इलेक्शन है, आप जानते हैं कि हमारे पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब जो है कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। हमारे एक मंत्री, शिक्षा मंत्री जी अभी भी कोरोना के कारण जो है बीमार पड़े हैं। हमको खुद भी हो गया था, क्योंकि ये सरकार पूरी विश्वसनीयता के साथ काम कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह काम नहीं करते हैं कि छुप जाते हैं घर में, खिड़की दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और जो है केवल जो है मोदी का एक किट ले लिए, मोदी किट ले लेके बंटवा दिया। हम काम करते हैं जनता के बीच में जाकर, उनके सुख दुख को समझकर, और कोरोना जैसी विषम काल में भी हम लोगों ने बहुत गंभीरतापूर्वक काम किया है, और इसलिए हम जानते हैं कि जो ये बाई इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन हम लोग अभूतपूर्व मत से जीतेंगे, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी साहब भी एक व्यवहार कुशल इंसान थे, लोगों के सुख दुख में वो हमेशा आजीवन अंतिम सांस तक उन्होंने सेवा किया है। इसलिए मधुपुर की जनता जो है निश्चित तौर पर उनके प्रति जो है आदर रखती है, और उनको जो है अपना जो है उनके पुत्र को अभूतपूर्व मत देकर जिताएंगे।
स्वास्थ्य संबंधित सर देवघर में से एम्स तो आ ही रहा है, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर के क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर ये प्लानिंग है कि हम अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी इस स्वास्थ्य लाभ के साथ जोड़ेंगे और उनको भी स्वास्थ्य लाभ से लाभान्वित करेंगे। इसके लिए जो भी हमारे अंदर कमी खामी है उसको लगातार दूर किया जा रहा है। हमारा PSC, CSC, सामुदायिक वगैरह जितने हैं सारे चीज़ों को अपग्रेड करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अचानक आप जानते हैं कि कोरोना का ये जो है अभिशाप हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, दूसरे चक्र का भी अभिशाप आ गया है जो पहले के कोरोना के काल से ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हम इस कोरोना के इस अभिशाप से अपनी जनता को मुक्ति दिलाएं, इसके लिए लगातार हम लोग एक्सरसाइज करें। छोटे छोटे अस्पताल से पूरा झारखंड में है, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात सही है। MCI के गाइडलाइन के हिसाब से करीब 80,000 लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा ही पड़ेगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे तो सरकार बनने हुए ही COVID-19 आ गया, लेकिन जो पूर्व में डबल इंजन वाली सरकार थी जो प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री दम भरते थे डबल इंजन, तो डबल इंजन की सरकार ने क्या ऐसा काम कर दिया कि राज्य का स्वास्थ्य जो है चरमराया हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो गया। इसलिए देखिए, कोशिश हमारी है और हम लोग भाषण देने में या पोस्टर लगाने में या विज्ञापन के माध्यम से सरकार नहीं चलाते हैं। हम सरकार चलाते हैं जनता की आशा आकांक्षा के अनुरूप, हम जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करके दिखाते हैं। क्या लगता है हफीजुल जी कितने ऊपर मतदान से जीतेंगे, कितने हजार के? हफीजुल जी जीतेंगे अभूतपूर्व, लेकिन आप उसके पहले का राजनीति समझने का थोड़ा प्रयास करिए। यही निशिकांत दुबे जी थे और जब राज परिवार जी चुनाव लड़े तो इन्हीं का आदमी ये गंगा जी हैं और इनको उन्होंने आशू का टिकट दिलवाया और आशू का टिकट दिलवा के उस समय जो तत्कालीन भाजपा के प्रत्याशी थे राज परिवार जी को हराने का काम किया। आज जब है राज परिवार जी फिर से जब उपचुनाव आया, जब टिकट लेने के लिए राज परिवार जी आगे बढ़े तो उनका टिकट काटने के लिए इन्होंने गंगा जी को जो है जमुना जी में मिला दिया और जो है इनको पवित्र करके फिर जो है ला के कमल थमा दिया। तो ये इनका जो अंतर्द्वंद है, ये अंतर्द्वंद इनको बहुत भारी पड़ेगा। आज भी पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री को जो है लोगों ने भाजपा के ही लोगों ने विरोध उरोध किया है। तो ये जो जैसा बोएगा, यदि आप जो है आम का गाछ बोइएगा तो आमें फलेगा और बबूल बोइएगा तो बबूल फलेगा, बबूल बो के आम मत उम्मीद कीजिए। तो ये जो है इनका जो है तिगड़म तीन तेरह करने की जो आदत थी वो आपस का द्वंद्व इतना गहरा गया है कि ये आपस के ही द्वंद्व में राज परिवार जी और निशिकांत दुबे जी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे की राजनीतिक हैसियत छोटी करने के लिए आपस में का द्वंद्व लड़ रहे हैं। हम तो एकदम क्लीन स्वीप हो रहे हैं। प्रदेशवासियों को यही मैसेज रहेगा कि जो ICMR के गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन को के मानते हुए थोड़ा दूरी भी बनाना है और थोड़ा जो मास्क बहुत लोग यूज नहीं कर रहे हैं, मास्क यूज नहीं करते हैं। मान लीजिए अब जैसे हम और आप थोड़ी दूर में बैठे हैं और उस समय घर में बैठे हैं तो नहीं यूज कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, चल भी सकता है क्योंकि 2 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस है। लेकिन यदि घर से बाहर निकल रहे हैं या भीड़ में जा रहे हैं तो वहाँ मास्क पहनना बहुत ही नितांत जरूरी है। नहीं, नहीं किया। सब बढ़िया, आज घूमेगा।